हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज की वीडियो है सोफ़ा कवर्स को लेकर, जो हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये मेरे पुराने सोफ़ा कवर्स हैं जिन्हें मैं चेंज करने वाली हूँ, और इसकी जगह पर मैं हैंडमेड, बिल्कुल हैंडमेड सोफ़ा कवर्स बनाऊंगी, जो कि बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और ये छोटी सी एक सेटी है जिसके लिए कि हम एक रनर बनाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फैब्रिक है जो मैंने स्क्रैप में लिया था, और इसको मैं कट करूँगी अपने सोफ़ा की लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ एंड ब्रेड के हिसाब से मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह के फैब्रिक्स आपको ईजिली कर्टन शॉप्स पे भी मिल जाते हैं, जो उनके पास स्क्रैप्स होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में आपको दे देते हैं। तो ये है मेरा जो 3 सीटर सोफ़ा है उसके लिए। तो लेंथ ब्रेड इसकी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके कट कर ली है, और जो रनर मैं सेटी के लिए बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने इस फैब्रिक लिया है, और ये भी मैंने स्क्रैप से ही परचेज़ किया था। तो छोटे छोटे से पीसेज आपको मिल जाते हैं जिससे आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार मंदिर के कर्टन्स बनाए थे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनके जो किनारे हैं उनको अच्छे से सील कर लीजिए। उनको आपको डबल फोल्ड करना है और इस तरह से एक एक सिलाई लगा देनी है। तो चारों कॉर्नर्स को आपको बंद करना है ताकि इनके धागे ना निकले और अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो जितना भी आपने फैब्रिक लिया है, लाइक 2 सीटर्स जो हमारे पास हैं सिंगल सिंगल, उनके पीसेस आप कट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने किया है, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है क्राफ्ट क्लास आरती गुप्ता। ये जो 2 पीसेज आप देख रहे हैं ये हमारे 1 सीटर सोफ़ा के हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनको नीचे से फोल्ड कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं अगर आप मशीन का यूज़ नहीं करना चाहते तो। और इसको भी फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से आप सारे जो आपके कवर्स हैं उनको फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद हम अपना डेकोरेशन पार्ट शुरू कर देते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऊन के लेफ्ट ओवर पीसेस जो बच जाते हैं वो पड़े थे, तो उसी से हम कुछ आज बनाने वाले हैं। तो आप कोई भी एक कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी डायरी पड़ी थी तो मैं वो यूज़ करूँगी। और इस तरह से आपको अपनी ऊन को इसके ऊपर लपेटना है। आप कम से कम इसमें 50 राउंड्स दीजिए, तभी आपका टेसल जो है बहुत प्यारा बनेगा और देखने में भी वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। तो इसको आप एटलीस्ट 50 टाइम्स तो ज़रूर रोल कीजिए। चलिए, ये मेरा रोल हो गया है, कट कर लेते हैं। और अब अपना सबसे ऊपर से इसको टाई कर लीजिए। इसको भी बनाना बहुत इजी है। जब भी आपके पास खाली टाइम हो तो आप अपनी ऊन लेके बैठ सकते हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 15-16 टेजल्स ऑलरेडी बना के रख लिए थे, और आज मुझे इसके लिए सोफ़ा कवर्स बनाने, तो आज मैंने इनको यूज़ कर लिया। एक मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है कि वो कैसे बनता है। ऊपर से टाई हो गया है, अब थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से छोड़ते हुए हम बीच में से भी से टाई कर लेंगे। तो ये जो हम अब बीच में से टाई कर रहे हैं इसके लिए आप 10-15 राउंड्स ले सकते हैं, और इन्हें अच्छे से गांठ लगाकर बंद कर दीजिए। और ये देखिए, इस पर आप नॉट लगा दीजिए, और इस तरह से आपके बहुत ही प्यारे प्यारे से कलरफुल टेजल्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। नीचे से कट कर देते हैं, और इनको बराबर भी करना बहुत ज़रूरी है। इनको आप एक बार ट्रिम कर दीजिए ताकि ये सारे के सारे बराबर हो जाएं। और एक और चीज़, अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा कलरफुल बनाना था इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर की ऊन का यूज़ किया है। तो चलिए, ये बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे कलर्स को चूज़ किया और बहुत सारे टेसल्स को ऑलरेडी बना लिया था। और अब हम इन्हें अटैच करेंगे अपने सोफ़ा रनर के साथ। तो चलिए, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे कलर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। और अगर आप मार्केट से इन्हें लेने जाते हैं तो ये आपको बहुत कॉस्टली मिलते हैं जो सोफ़ा कवर्स होते हैं, और इजीली आप इन्हें घर पर बना सकते हैं। तो चलिए, अपना फैब्रिक ले लीजिए और उसका बॉटम पोर्शन से हम लोग इन टेसल्स को अटैच करेंगे सुई और धागे की हेल्प से। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सुई धागा लेना है, और
ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप टेजल्स लगाएं उनको इक्वल डिस्टेंस पे लगाएं, ताकि बिल्कुल अच्छे से वो आपके अजीब ना लगे कि कोई पास है कोई दूर है। इनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये काम भी आप खाली बैठ के कर सकते हैं, लाइक अगर आप टीवी देख रहे हैं या खाली बैठे हैं तो आप इसको लेके बैठ सकते हैं और आराम से अपने अपने पॉइंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मुझे टेजल्स को अटैच करना है, और वहाँ वहाँ आप इसे अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें इससे सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप एक छोटी सी स्ट्रिप लंबी सी स्ट्रिप ले लीजिए और उनके ऊपर टेजल्स लगा लीजिए, और उसके बाद उन पर आप वेलक्रो और अटैच कर सकते हैं सोफ़ा कवर्स के साथ और टेजल्स के साथ, और इस तरह से आप इनको डिटैचेबल भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने सारे धीरे धीरे करके अटैच कर दिए हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो छोटा सोफ़ा आपको दिखाया था उसके लिए कौन सा फैब्रिक लिया है। काफ़ी सारे जो पीसेज हैं वो कर्टन्स या फिर क्लोथ जो शॉप्स होती हैं जिनके पास फैब्रिक्स मिलते हैं उनके पास काफ़ी पीसेज बच जाते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उनके पास काफ़ी पड़े होते हैं सेल के लिए तो आप उनसे ये बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपको इनके कुशन कवर्स भी बनाना सिखाऊँ। ये हमारी छोटी वाली जो हमने सेटी दिखाई थी आपको, उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया था, और ये जो टेजल्स मैंने बनाए इसमें ब्लू और येलो कलर का ही यूज़ किया है, तो इन्हें भी कर दिया है अटैच, और ये हमारे बड़े वाले सोफ़ा के लिए हो गए हैं रेडी। चलिए इन्हें अपने सोफ़े पे लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा लगेगा, और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी डिज़ाइंस के आइडियाज़ दे सकूँ। कुशन कवर्स जो थ्रो पिलोज़ होते हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी इसके साथ ही बिल्कुल मैचिंग के आने वाली वीडियोज़ में। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इन बोरिंग से सोफ़ाज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कलरफुल बनाते हैं अपने हैंडमेड सोफ़ा कवर से। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो आप सेंटर में मैट देख रहे हैं, टेबल मैट जो है हमारे पास, ये क्रोशिया से बनाई गई है। अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह के और मैट्स भी मैं बनाने वाली हूँ जो इनके साथ अटैच करके मैं लगाऊँगी टेबल पर। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, आप शेयर कर सकते हैं इसे अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर। Thanks for watching and don't forget to subscribe.